हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे गर्म चीज़ें खाने से आपका पेट इम्बैलेंस होता है और पेट की गर्मी भी बढ़ती है, और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा पेट इम्बैलेंस करती है, हमारे पेट की गर्मी बढ़ाती है, जिसके कारण हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर देखें। वेलकम टू माई चैनल अभिनव आयुर्वेदा, मेरा नाम है अभिनव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे हम बैलेंस करें जब पे दोष बढ़ जाता है, या कह सकते हैं गर्मी का बढ़ना पेट में। पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसके कारण आपको पता लगेगा हम पित्त को, पेट की गर्मी को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बात करेंगे हम जीरे के बारे में। तो जीरा जिसकी तासीर गर्म होती है और ये हमारी पेट की गर्मी को बढ़ा सकता है, पर हम इसकी तासीर को चेंज करेंगे। कैसे कर सकते हैं? अगर आप सुबह इसको पानी में डालें, अगर बॉइल करेंगे, उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको पिएं। जब आप ठंडा होने के बाद पीते हैं इसको, इसकी तासीर चेंज हो जाती है, जिसके कारण आपको डाइजेशन भी अच्छा होता है और आपकी पेट की गर्मी भी निकल जाती है। दूसरा है अजवाइन। अजवाइन जो कि गर्म होती है, अगर आप गर्म चीज़ें नहीं डाइजेस्ट कर सकते तो हमेशा दोपहर के खाने के बाद अजवाइन और नमक लें, जो कि इसकी तासीर को चेंज करता है, क्योंकि जब अजवाइन के साथ हम नमक लेते हैं तो इसकी तासीर चेंज होती है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कहता है कि अगर दोपहर को जो हमारे पेट की गर्मी बड़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये देखा गया है पहले के टाइम में कि हम अजवाइन और जीरे का यूज़ हम दोपहर को करते हैं, क्योंकि ये हमारे पेट की गर्मी को भी ठीक करता है और इसकी डाइजेशन भी अच्छा करता है। और तीसरा है अदरक। अदरक जो हमारे खून को पतला करता है और ये भी हमारे खाने को अच्छा डाइजेस्ट करता है। अब चौथा है खाना खाने का सही तरीका। ये आजकल देखा गया है कि खाना हम तेज तेज खाते हैं, जिसके कारण इसका जूस नहीं बनता और हम ये सड़ता है। सड़ने के कारण इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे ब्लड में जाता है और हमें बुखार आता है और कई तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो हमेशा खाना चबा चबा के खाएं। चबा चबा के खाएंगे पेट में आएगा, और वो पेट जो है हमारे मिक्सर की तरह काम करता है, वो हमारे अच्छे से हमारे खाने को जूसेस की फॉर्म में बनाएगा, और जब वो छोटी आंत में जाएगा उससे जो पोषक तत्व है हमारे ब्लड में जाएंगे, और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और पांचवा है पानी। पानी हमेशा खाने के एक घंटे बाद पिए। जब आप पानी एक घंटे के बाद पीते हैं तो वो हमारे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि मैं ये आपको बता चुका हूँ कि जब खाना हम खाते हैं वो हमारे पेट में आता है, और वहाँ जठर है जहाँ इकट्ठा होता है, उसको आयुर्वेदा में जठरग्नि कहा। खाना खाने के बाद वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है जठरग्नि, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। अगर हम खाना पानी पियेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी तो खाना सड़ जाएगा। तो हमेशा कहा जाता है खाना एक घंटे के बाद पिए। जब खाना एक घंटे के बाद पीते हैं तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।